हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी द बीच हाउस। ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है और इसका कॉन्सेप्ट बाकी हॉरर मूवीज से बहुत अलग है। मूवी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये 9 जुलाई को ही रिलीज हुई है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो सबको थैंक यू। ऐसे सपोर्ट करते रहो और जल्दी हम 100K पे होंगे। और चैनल की मेंबरशिप भी ऑन हो चुकी है फाइनली, तो जो कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता है और कर सकता है वो ज्वाइन कर सकता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समुद्र की गहराइयों में धरती के कोर में से कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक टीनेज कपल एमिली और रैंडल को, जो कि वेकेशन के लिए रैंडल के पेरेंट्स के बीच हाउस पर आए हैं। वहां आसपास बहुत सारे घर थे लेकिन वो सब खाली पड़े थे क्योंकि वो सब वेकेशन हाउसेस हैं। और जैसे एमिली और रैंडल वहां आए हैं वैसे ही बाकी लोग भी जल्दी पहुंच जाएंगे और वो एरिया एक टाउन की तरह दिखने लगेगा। अभी फिलहाल वो पूरी तरह से अकेले हैं। एमिली बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वहां के पानी का टेक्सचर थोड़ा अजीब था, वो नॉर्मल वाटर जैसा नहीं था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसे वहाँ एक कैबिनेट पूरी तरह मेडिकेशन से भरा हुआ मिलता है और ये बहुत अजीब था क्योंकि वो घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था। वो किचन में जाती है तो उसे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई रह रहा है। और जब वो हाउस को एक्सप्लोर कर रही थी तभी एक औरत उनके घर में घुस जाती है। डर के मारे एमिली छुप जाती है। वो छुप कर देखती है कि वो औरत ऑयस्टर जमा करके लाई थी और उनका शेल खोल रही थी। वो जल्दी से ऊपर जाती है रैंडल को बुलाने के लिए, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ वो औरत सुन लेती है। जब तक एमिली रैंडल को लेकर नीचे आती है वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो आसपास चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो वहीं पर छुपी हुई थी। रैंडल उससे पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रही है और ये सुनकर वो औरत ऐसा लुक देती है जैसे घर उसका है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ सब कुछ क्लियर होता है। इनका नाम मिच और जेन है और ये रैंडल के डैड के बहुत पुराने दोस्त हैं और उसके डैड की मर्जी से ही ये दोनों उस घर में रह रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एमिली बहुत निराश थी क्योंकि उनकी वेकेशन बर्बाद हो चुकी थी। वो कहती है कि वो दोनों किसी होटल में रूम ले लेंगे। तब मिच उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिच उन्हें उन्हीं के घर डिनर पे इनवाइट करता है। रैंडल को इस सब से कोई परेशानी नहीं थी लेकिन एमिली कुछ खास खुश नहीं थी। वो बाहर जाकर बैठ जाती है और बाहर वो एक अजीब से स्लग को देखती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई बीमारी है। रात को वो सब साथ में डिनर करते हैं और डिनर में वो ऑयस्टर्स भी थे जिन्हें जेन लाई थी। वो सब उन ऑयस्टर्स को खा लेते हैं लेकिन एमिली उन्हें नहीं खाती। यह एमिली बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ना चाहती है। वो बताती है कि लाइफ बहुत फ्रेजिल है, हम सभी एलिमेंट्स का एग्जैक्ट राइट कॉम्बिनेशन है, जैसे राइट टेम्परेचर, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और अगर कोई भी चीज़ हल्की सी भी इधर उधर हो जाए तो हम बच नहीं पाएंगे। धरती पर सिर्फ डस्ट और गैसेस ही बचेंगी। एमिली की बातें उन्हें कुछ खास समझ तो नहीं आती लेकिन उसके मुँह से वो सब बातें बहुत फैंसी लग रही थी। वो बातें करते रहते हैं और बातों बातों में उनकी सारी अल्कोहल खत्म हो जाती है। तब रैंडल उन्हें मैरुआना ऑफर करता है और उसे खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मिच भी पानी का अजीब टेक्सचर नोटिस करता है लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो सब बालकनी में खड़े होते हैं और कुछ अजीब नोटिस करते हैं। वहाँ चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स उड़ रहे थे जो कि पानी के अंदर होते हैं और उन्हें हवा में देखना बहुत ज़्यादा अजीब था। जेन उन्हें पास से देखने की जिद करती है और मिच उसे जाने देता है। वो पास जाती है तो देखती है कि वो माइक्रोब्स हर जगह जम चुके थे। वो उन्हें छू देती है और उन्हें टच करते ही वो बुरी तरह खांसने लगती है। ये उन माइक्रोब्स की वजह से नहीं था बल्कि वहाँ बहुत घना कोहरा छा चुका था और उसमें सांस ले रही जेन बेहोश हो जाती है। जब जेन काफ़ी देर बाद भी वापस नहीं आती तो मिच उसे ढूंढने जाता है। रैंडल नशे में बिल्कुल बेहोश पड़ा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो फॉग उनके घर में आ रहा था इसलिए एमिली दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन वो भी उससे एक्सपोज हो चुकी थी इसलिए वो भी बेहोश हो जाती है। रात को अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसे जेन के खांसने की आवाज़ आती है। वो उनके रूम तक जाती है लेकिन उसे देखकर मिच दरवाज़ा बंद कर देता है। वो रैंडल को उठाती है और वो दोनों ऊपर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनके सर में दर्द हो रहा था इसलिए वो बीच पर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो देखते हैं जेन को, जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। एमिली देखती है कि उसने अपनी सारी मेडिकेशंस ख़त्म कर दी थी। वो उसके पास जाती है तो देखती है कि जेन की स्किन उतर रही थी। वो दोनों मिच को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए वो बीच तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। तब वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। अचानक रैंडल की तबीयत खराब होने लगती है और वो भागकर वापस घर में जाता है और जल्दी जल्दी में वो अपना फ़ोन और चाबियां वहीं पर छोड़ देता है। जैसे वो एमिली को छोड़कर जाता है मिच वहां पहुंच जाता है और उसे पता था कि जेन की क्या हालत हो चुकी है।
उधर रैंडल देखता है कि पानी बहुत अजीब हो चुका था, उसका टेक्सचर, स्मेल, सब कुछ बहुत अजीब था। वो इसे इग्नोर करता है और वापस एमिली के पास जाने लगता है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि मिच ऊपर है, इसीलिए वो ऊपर जाता है। लेकिन मिच तो एमिली के पास बैठा था और वो एमिली को कहता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। वो उठकर स्विमिंग के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में थोड़ा आगे जाता है वो गायब हो जाता है। एमिली जल्दी से भागकर किनारे पर जाती है और तभी उसका पैर किसी अजीब सी जेलीफिश लाइक क्रिएचर पर पड़ता है, जो कि उसे स्टिंग कर देती है। और एमिली देखती है कि उसके जख्म के अंदर एक कीड़ा रेंग रहा था। वो देखती है कि वो जेलीफिश पूरे शोर पर फैली हुई थी। वो किसी तरह रेंगते हुए वापस घर में जाती है और किचन टूल्स की मदद से वो उस कीड़े को बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो कोई कीड़ा नहीं था, वो जेलीफिश का टेंटेकल था जो कि म्यूटेट होकर एक क्रिएचर बन चुका था। एमिली जल्दी से अपने पैर पर पट्टी बांधती है और वहां से निकलने के लिए कपड़े पहनने लगती है। तभी उसे रैंडल दिखता है जो कि रेंग रहा था। वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी ये हालत की थी जेन ने, जो कि एक ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर बन चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। वो दोनों जेन से बचकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। तब वो पड़ोस के घर पे जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एमिली रैंडल से पूछती है कि जेन ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। रैंडल के पास कार की चाबी भी नहीं थी क्योंकि वो उन्हें बीच पर ही छोड़ आया था। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी जिसकी हालत बिल्कुल जेन जैसी थी उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों वहां से निकलते हैं और रात होते होते वो फॉग फिर से चारों तरफ छा जाता है। वो दोनों रोड पर चलते जा रहे थे और रैंडल और भी ज्यादा बीमार होता जा रहा था। एमिली को एक पुलिस कार मिलती है जिसमें एक रेडियो भी था। वो रेडियो के थ्रू मदद मांगती है और उसे कोई रिप्लाई करता है। वो उसे बताता है कि एक्सट्रीमली डेंजरस है और उन्हें कहीं छुप जाना चाहिए। एमिली पूछती है कि क्या वो फॉग की बात कर रहा है। तब वो कहता है कि ये फॉग नहीं है और यहीं पर उनका कॉन्टैक्ट कट जाता है। एमिली जल्दी से एक घर की खिड़की तोड़ती है और वो दोनों उस घर में घुसकर खुद को उस फॉग से बचाते हैं। भाव वो नोटिस करते हैं कि पानी में कुछ भी पानी जैसा नहीं बचा। भाव ने एक टीवी मिलता है और उसे ऑन करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हो रहा, ये पूरे देश भर में हो रहा है। वहाँ एक रेडियो भी था और उससे उन्हें पता चलता है कि ये सब उन माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है जो कि अंडर वाटर रॉक्स के अंदर प्रिजर्व थे, लेकिन धरती के बहुत ज्यादा हीटेड अप होने की वजह से ये माइक्रोब्स रिलीज हो गए और अब ये करंट लाइफ फॉर्म को मारकर एक न्यू लाइफ फॉर्म को जन्म दे रहे हैं। यानी कि बेसिकली वो इंसानों का अंत कर रहे हैं। इसे आप ज़ॉम्बी वायरस का बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। एमिली वहाँ कार की चाबियाँ ढूंढने लगती है क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलना था। वो बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो फॉग से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल उल्टी करता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर एमिली बेसमेंट में एक फुल्ली इन्फेक्टेड आदमी को देखती है जो कि पूरी तरह म्यूटेट हो चुका था और वो दूसरे आदमी को खा रहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि रैंडल का क्या हाल होने वाला है। एमिली जल्दी से एक टैंक लेकर ऊपर जाती है और देखती है कि रैंडल भी बदल चुका है। रैंडल उसकी तरफ बढ़ता है, तब एमिली के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो उस टैंक से कुचलकर उसे मार देती है। तभी उसे कार की चाबियां भी दिख जाती हैं। वो जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, लेकिन वहां इतना डेंस फॉग था कि रोड नजर ही नहीं आ रहा था। वो बस अंदाजे से चले जा रही थी और अचानक उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो कार से बाहर निकलती है और यहाँ हमें कुछ स्ट्रेंज विजन दिखाए जाते हैं जिनका मतलब है कि अब एमिली पर भी असर होने लगा है। इसके बाद हमें सीधा अगली सुबह दिखाई जाती है और हम एमिली को बीच पर देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि डरना नहीं है। अचानक एक लहर आती है और उसे ले जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको समझने में बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन असल में इसमें वही सब हो रहा था जिसके बारे में एमिली ने बताया था कि लाइफ बहुत ही फ्रेजिल है, अगर कोई भी चीज़ हल्की सी भी इधर उधर हुई तो वह नहीं बचेंगे। इस केस में अर्थ ओवर हीट हो गई जो कि एक दिन हो ही जाएगी और उसकी वजह से डीप ओशंस में रॉक्स में कुछ खतरनाक माइक्रोब्स थे वो अर्थ ने रिलीज कर दिए क्योंकि नेचर अपना बैलेंस मेंटेन करना जानती है। तो बेसिकली इसमें म्यूटेशन की शुरुआत ओशन से ही हुई है, जैसा कि आपने देखा जेलीफिश मरकर किनारे पर आ चुकी थी और उनके स्टिंग म्यूटेट होकर एक क्रिएचर बन चुके थे। ठीक वैसे ही रैंडल के अंदर से भी एक क्रिएचर निकला था, लेकिन क्या वो उसके अंदर बना था? जी नहीं, वो क्रिएचर बना था उस ऑयस्टर में जिसे उसने खाया था। बेसिकली हर एक पुरानी लाइफ फॉर्म से एक नई लाइफ फॉर्म बन रही थी जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक ना एक दिन तो इंसानों को खत्म होना ही है। इसके संकेत हमें 2020 में कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप ज़ॉम्बी वायरस से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि ज़ॉम्बी नाम हमें बहुत फैंसी लगता है और हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बकवास है। आप ये तो कह सकते हो कि ज़ॉम्बीज बकवास हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वायरसेस भी बकवास हैं। तो जैसा कि ये मिस्ट्री थ्रिलर है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर हो और हमारे अंदर डर बैठे।
जैसे जब मिच पानी में गया था तो वो गायब हो गया। अब यहाँ ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि वो एक भूत है या फिर कोई एलियन क्रिएचर जिसने ये सब किया है और अब वो गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीन हमें दिखाया इसलिए गया ताकि हम बहुत कुछ सोच लें और खुद ही कन्फ्यूज हो जाएं। इस सीन के दो मतलब हो सकते हैं, या तो मिच को किसी म्यूटेटेड सी क्रिएचर ने खा लिया या फिर वो खुद ही पानी में डूब गया, और ये रीजन मुझे ठीक लगता है क्योंकि आपने उसकी बातें सुनी ही थी जो उसने एमिली के साथ की थी। ऑयस्टर तो उसने भी खाया था और उसे भी कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा, और जेन की हालत देखने के बाद उसने मरना ही ठीक समझा। और ये जेक वीबर की इन्फेक्शियस डिजीज वाली दूसरी मूवी है और दोनों में ही उन्होंने सुसाइड किया। पहली फिल्म है 2004 में आई डॉन ऑफ द डेड, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, और इस मूवी की स्टोरी 5 फिल्मों से इंस्पायर्ड है, इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स, एलियन, शिवर्स, लाइक क्रेजी एंड द क्वार्टर मास एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आप इस पूरी फिल्म को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लो, क्योंकि जल्दी हमें 100K भी रीच करना है। और लेटेस्ट और अपकमिंग मूवीज अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानने के लिए मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।